सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ इस प्रकार की फोटो एडिटिंग। तो एनी वेज टाइम के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम आ गए हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में एंड हमारा कुछ इस टाइप का फोटो है। तो सबसे पहले इस पर ऐड करना है हमको लाइट, और यहाँ लाइट वाले टूल पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे आपको मिलेगा ब्लैक्स का। तो आपको यहाँ पर ब्लैक्स को थोड़ा सा माइनस कर देंगे 25 के आसपास, ठीक है। एंड इसके बाद आपको शेडो पर जाना है और यहाँ पर शेडो को माइनस कर देना है, ठीक है। और ऊपर मिल जाता है कंट्रास्ट का, तो कंट्रास्ट को हम यहाँ पर 6 पर रखेंगे, बाकी हमको ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लाइट का जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको नीचे जाना है कलर वाले टूल पे, और यहाँ आपको करना है ऊपर क्लिक मिक्स टूल पे, और यहाँ पर जो आपको कलर शो कर रहे हैं तो सबसे पहले कलर पे हम क्लिक करेंगे और इसका जो ह्यू है उसको पूरा माइनस कर देंगे। एंड सैचुरेशन को भी पूरा माइनस कर देना है। इसके बाद आपको सेकेंड कलर पे जाना है और इसका भी ह्यू आपको पूरा माइनस कर देना है एंड सैचुरेशन दोनों को। इसी तरह आपको थर्ड वाले पे जाना है, इसका भी ह्यू पूरा माइनस एंड इसका सैचुरेशन पूरा माइनस। नेक्स्ट पे जाना है और इसका ह्यू पूरा माइनस और सैचुरेशन पूरा माइनस, ठीक है। इसी तरह आपको ग्रीन कलर पे जाना है और इसका ह्यू पूरा माइनस एंड सैचुरेशन पूरा माइनस, ठीक है। आप जाएंगे अगले कलर पे और जो इसका ह्यू है उसका ह्यू पूरा माइनस एंड सैचुरेशन भी पूरा माइनस दोस्तों, ठीक है। अब आपको जाना है रेड कलर पे और इसका ह्यू हमको नहीं छेड़ना है एंड आपको सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करना है दोस्तों, थोड़ा सा, ठीक है, 10 के आसपास। और आपको जाना है लास्ट वाले रेड कलर पे और इसका जो ह्यू है उसको हमको थोड़ा सा बढ़ाना है 5, ठीक है। तो हम 6 पर रखते हैं एंड इसका सैचुरेशन जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना है 31 के आसपास लगभग, ठीक है। बस इतना यहाँ से करना है, डन। अब आपको यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको नीचे मिलेगा वाइब्रेंस का ऑप्शन, तो यहाँ पर हम वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, 20 के आसपास, ठीक है। और नीचे मिलता है सैचुरेशन, जो कि इसको भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो दोनों को सेम 20-20 पर रखते हैं और यहाँ से हमारा भी कंप्लीट काम हो चुका है। अब आपको जाना है नीचे वाले टूल पे और यहाँ पर जो मिलता है आपको टेक्सचर का ऑप्शन, तो यहाँ पर टेक्सचर को हम 20 पर रखेंगे और इसका जो क्लियरिटी है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 10 के आसपास, ठीक है। अब आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ये जो वाइंट का ऑप्शन मिलता है इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पर माइनस करना है दोस्तों, 25 पर रखना है, ठीक है। अब आपको जाना है नेक्स्ट टूल पे और यहाँ पर जाने के बाद सबसे ऊपर आपको मिलता है शार्पनिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर शार्पनिंग को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे 20 के आसपास। और नीचे मिलता है मास्किंग टूल का ऑप्शन जिसको हमको रखना है 10 पे, ठीक है। अब आपको नीचे मिलता है एक नॉइज रिड्यूसन का जिसको आपको बढ़ा देना है, और इसको हम रखते हैं 10 पे। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कंट्रास्ट मिल जाता है, तो कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 5 के आसपास। अब आपको एक ऑप्शन नीचे मिलेगा कलर नॉइज रिड्यूसन का, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है और इसको भी हम 10 पर रखेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट इतना काम हो चुका है। अब आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है स्मूथनेस का, जस्ट आपको इसको 60 पर कर देना है, ओके। तो यहाँ से हमारा जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो की क्वालिटी है वो एकदम HD क्वालिटी में एडिट हो चुकी है। अब हमें इस फोटो को सेव करना है अपनी गैलरी में, तो जस्ट यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है।